बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाज़रीन, सीडी रेफरेंडम में सिर्फ दो दिन बाकी हैं। दोनों यूनियंस वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए अपना अपना पावर शो कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीडीए पाशा ग्रुप के एक जलसे में, जहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं। आज हम जानेंगे वोटर से और स्टेज के ऊपर बैठे कायदीन से जानेंगे कि सीडीए पाशा ग्रुप का मंशूर क्या है, लोग क्यों सीडीए पाशा ग्रुप को कामयाब करना चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मजदूर जाग चुका है और हम ये समझते हैं कि तारीखी जीत होगी इंशाल्लाह। सीडीए की तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी हमारी होने जा रही है और अगर इंशाल्लाह मजदूर ने हमारा साथ दिया 17 को, तो हम इस इदारे को बेहतर करेंगे। और हालात बता रहे हैं कि सीडीए पाशा ग्रुप का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से चीज़ें लेना, उनको मनवाना, उसके लिए तालीम का सहूल चाहिए, उसके लिए आपको बाकायदा इंतज़ामिया को इंगेज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वर्क काउंसिल बनानी पड़ेगी। प्लॉट्स हो, भर्ती हो, प्रमोशंस हो, अपग्रेडेशंस हो, रीडेजिग्नेशंस हो और उसके अलावा जो बाकी पॉलिसीज हैं, इसको अपग्रेड करने के लिए इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी उम्मीद है कि मेरे में वो जोश, वो वलवला, वो तंतना है कि मैं इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद हम इस मजदूर का चार्टर ऑफ डिमांड चेयरमैन साहब के सामने पेश करेंगे। और चेयरमैन साहब क्योंकि एक प्रो वर्कर इंसान है, हमें उम्मीद है कि मजदूर के काम होंगे इंशाल्लाह। हम उन चोरों लुटेरों को जिन्होंने बरसों सीडीओ को लूटा, हम उसके खिलाफ। ये लोग अपने स्टाफ के लिए, प्लाटों के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो जनाब स्टेल ले आते हैं। ये अपने स्टाफ के बच्चों के लिए नौकरियों को बंदोबस्त करते हैं, वो स्टेल ले आते हैं। तो ये देखो, हम तो उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो तरक्की और खुशहाली के दुश्मन, उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, कोई नॉन पार्टी। जिस तरह इमरान खान साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक तब्दीली का नारा लगाया, हमने ये महसूस किया कि सीडीए का मजदूर बहुत पिसा हुआ है और आज का नहीं सदियों का पिसा हुआ है। और जिस तरह हम इस कैंपेन में आए तो हमें ऐसी बातों का इंकशाफ हुआ जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। तो हम इंशाल्लाह मज़दूर की किस्मत बदलेंगे और हमने पहली बार ये फैसला किया है कि किसी यूनियन का साथ दें ताकि हम उस लेवल पे जाके चार्टर ऑफ डिमांड्स मज़दूरों की लेके, आपको पता है अगर आप यूनियन में आपकी नुमाइंदगी ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप मज़दूरों के साथ और उनके हकूक के लिए लड़ें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे यही था। हमारा लेबर विंग है, उन्होंने MOU साइन किया पाशा ग्रुप के साथ। पाशा एक यंग लड़का है और वो उस पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है और इंशाल्लाह उसमें जज्बा भी है, उसमें जुनून भी है। और मैं आपको बात बता दूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर कभी हमें महसूस हुआ कि किसी भी यूनियन में कोई भी माफिया या कोई भी करप्शन होगा तो हम ज़रूर उसमें मुदाखलत करेंगे और हम निज़ाम को ज़रूर तब्दील करेंगे। इज़्ज़त कमाल पाशा साहब ने बुलाया, इज़्ज़त दी है और जितनी लेबर्स है, जितनी ये कम्यूनिटी है, ये असल में हमारा असास है। और जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, वो हमेशा गरीब की बात करते हैं, वो मज़दूर की बात करते हैं और इज़्ज़त भी उन्होंने दी है। और आज वज़ीर आज़म जो हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से हैं और इनका नाम ले के तरक्की नहीं हो सकती, इनको साथ चल के हमारी तरक्की होगी और इंशाल्लाह जो है 17 तारीख तब्दीली का होगा और जीतेंगे। इज़्ज़त कमाल पाशा साहब, हर तरफ पाशा पाशा हो रही है। मैं तो यकीन से कह सकता हूँ कि 17 तारीख को इंशाल्लाह फूल पे मोहरें लगेंगी और मजदूर इंशाल्लाह अपना हकीकी रहनुमा जो कि फरहत कमाल पाशा का बेटा है उसे मंतखब करेंगे। और मजदूर दुश्मनी जिन्होंने की, उनका एहतसाब का दिन है 17 तारीख। 17 तारीख जिस दिन वोटिंग है उस दिन बाहर निकलें और पुल पे मोर लगाएं और तारीख रकम कर दें। मैं यही मैसेज देता हूं मजदूरों के लिए, यही मेरा मैसेज है कि देखें इससे पहले कितना जुल्म हुआ है, इंतहा हुई है कि प्लाटों पर स्टे चलता रहा। आज आप लोगों के हकूक की जंग लड़ने एक मर्द मजाहद आ गया है। मेरे दोस्तों, आप बाहर निकलें और फूल पे मोर लगाकर अपने हकूक के लिए आप आवाज़ उठाएं। अगर आप पाशा ग्रुप को कामयाब करेंगे तो ये आपके लिए बेहतरी है, ये इस पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। जब मजदूर खुशहाल होगा तो प्यारा पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। फारुख कमाल पाशा साहब मरहूम की बहुत खिदमत है सीडीए में और उसके साथ जो अमानुल्लाह खान का इलाक हुआ तो इससे ये इंशाल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन हो गया, क्योंकि अमानुल्लाह खान ने इन 3 सालों में बशुमार काम किया है
उसमें सेनेटी को तरजीह दी है। सेनेटी में 60 करोड़ लोगों को हाउस बिल्डिंग एडवांस सेनेटी पे, 3,000-4,000 लोगों के प्रमोशन हुए सेनेटी पे। ये पहली दफा सीडीए की तारीख में कि हर बंदे को पता ही नहीं है, वो घर में बैठा हुआ है और उसको अपना हिस्सा मिल चुका है। कोरोना लोन पूरा सीडीए प्लेस को मिल चुका है। कैपिटल लोन हमारा पहले 1,000 रुपये था, वो 2,000 हो गया ये 3 सालों में। तो सीडीए की तारीख में अगर किसी ने सही काम किया सेनेटी को तो वह अमानुल्लाह खान ने किया और वह इलाक भी हो गया। और इंशाल्लाह ये नवे खून है, नवे जज्बा है, जिस तरह इमरान खान की विजन है कि आप सेनेटी पे उस पर काम करें, उसी तरह इंशाल्लाह और बहुत बेहतर इंशाल्लाह सतारा को फैसला आएगा। और अल्लाह से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे बढ़ के काम होंगे और सी डी एम प्लेस को, ये पूरा सी डी एम प्लेस को कि मेन सी डी एम प्लेस का मेन काम प्लाट है। इंशाल्लाह ताला इज़्ज़त कमाल पाशा की जीत होगी, सी डी एम प्लेस की जीत होगी और सी डी ए के मजदूर की जीत होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल हो चुका है सी डी ए के मुलाजमीन का। पिछले 15 सालों में एक मुलाजम को कोई एक प्लाट नहीं मिला, बजाय इसके कि पिछले अदवार में सी डी ए बनने वाले हमें प्लाट दिलाते, हमारी सीनियरिटी पे प्रमोशन करते, हमारे और मसाइल हल करते, उन्होंने हमारे हकूक़ के आगे रुकावटें डाली, हाई कोर्ट के ज़रिए से स्टे आर्डर ले आए और बिलखसूस हमारे प्लाटों का, जो एक गरीब मुलाजम जो सी डी ए का होता है उसका असासा होता है, उसके हवाले से उन्होंने कोई जो उनको देना चाहिए था, उनको कोशिश करना चाहिए था, तो अभी करीब करीब ये कोई 95% काम उसका हो चुका था। जब अब जबकि मुलाजम को एक बड़ी कामयाबी होने वाली थी, इन्होंने जाके कुछ अपने ऐसे लोग जो उनके करीबी है उनके ज़रिए से ये स्टे आर्डर ले आए हैं, तो इसी की वजह से हमारी जीत की, क्योंकि इज़्ज़त कमाल पाशा जो है ना, उनका विजन ये है कि सी डी ए का जो कमज़ोर तबका है, जो मुलाजम है, उनको वो चीज़ मिले जो उनके घर को संवार सकें। हमने सी डी ए की खिदमत की है और ये जो आज टेम्पो इलेक्शन का बना है, ये अल्लाह के फजल करम से हमारे इत्तेहाद, हमारे दरमियान हमायत हुई है। हमने इत्तेहाद किया, हम पाशा ग्रुप हमने ज्वाइन नहीं किया, हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, उनका अपना प्लेटफॉर्म है, हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कोई कानूनी मामला है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं तो वो सी बी ए इलेक्शन की सूरत में भी मेरे पास ही रहे, तब भी मैं सी बी ए हूँ जब तक वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता। तो अल्लाह की फजल से ये इलेक्शन हम 17 तारीख को जीतेंगे और जीत के मजदूर की खिदमत करेंगे। 17 तारीख मेरे ख्याल के मुताबिक 17 तारीख हमारी कामयाबी का दिन है, क्योंकि सी डी एम एम्प्लाइज यूनियन जो है, मैं 36 साल से फरत कमाल पाशा के साथ रहा हूँ, पीटर जॉर्ज मेरा नाम है, और सी डी एम एम्प्लाइज यूनियन पाशा ग्रुप ने उसके 4 डिमांड नोटिस जो है सी डी ए में अभी भी मौजूद है। आज भी सी डी ए का मुलाजम जो राहत ले रहा है वो सी डी एम्प्लाइज यूनियन के उन्होंने मिन्नत है, क्योंकि सी डी एम्प्लाइज यूनियन ने बड़ा काउंसिल बनाया, सी डी एम्प्लाइज यूनियन ने हमेशा मजदूरों के हकूक की जंग लड़ी। और आपको ये पता होना चाहिए कि फरत कमाल पाशा सी डी एम्प्लाइज यूनियन के बानी थे। सी डी एम्प्लाइज यूनियन ने वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से तमाम मुलाजमिनों को पेंशन मिली।